एपिसोड की स्टार्टिंग में शेंग्या उन्हें बहुत सारा खाना बनाया था। जब शियानिंग खाना खाने आता है तो वो देखता है कि शेंग्या उन्हें बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शेंग्या उसको हाँ करती है। फिर वो कहती है कि आज वो बाइजिंग से बहुत देर तक बात कर रही थी। बाइजिंग बहुत ही ज्यादा अपसेट है क्योंकि जुन ने उसे चीट किया है। जहाँ पे शियानिंग कहता है कि तुम्हें किसी भी क्लाइंट से इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट्स ऑलवेज झूठ कहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद सब कुछ अच्छा होता है, लोगों में प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम्हें इतना ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातों से शेंग्या को बहुत ही बुरा लगता है, जिससे वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम वूजुन को देखते हैं, जो शेंग्या को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो कहती है कि वो कल नहीं आ सकती है क्योंकि वो शेंग्या के साथ बाहर जा रही है, जिससे वो शियानहेंग को मिलने जाता है। जहाँ पर वो शियानहेंग से कहता है कि लॉ एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखी है जहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स को बुलाया गया है, तो तुम वहाँ पे चले जाना। पहले तो शियानहेंग मना कर देता है, लेकिन वूजुन कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं किसी काम में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हें ही जाना होगा और तुम्हारे साथ तुम्हें शेंग्या को भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारी असिस्टेंट है, जिससे शियानहेंग अग्री हो जाता है। वूजुन को थोड़ा अजीब तो लगता है कि शियानहेंग शेंग्या के नाम से इतनी जल्दी अग्री कैसे हो गया, लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करता है। उसके बाद शियानहेंग जब घर जाता है तो देखता है कि शेंग्या नहीं है। तभी वहाँ पे शेंग्या आती है जो कि फ्लावर्स लेके आई थी। शियानहेंग उसे कहता है कि तुम मुझे सॉरी कहने के लिए फ्लावर्स लेके आई हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शेंग्या कहती है कि ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये घर के लिए है, जिस पर शियानहेंग उसे कहता है कि कल हमें लॉ एसोसिएशन में जाना है जो कि एक पार्टी है, तो उसके लिए तुम मेरे साथ चलोगी। शेंग्या कहती है कि वहाँ पर मेरा जाना क्यों जरूरी है, तो शियानहेंग कहता है कि संडे को सभी काम करने वाले हैं और तुम फ्री हो, इसीलिए तुम मेरे साथ आने वाली हो। अब उसके पास ना कहने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे शेंगी अम्यूजमेंट पार्क में शेंग्या को वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसे शेंग्या का कॉल आता है और वो बताती है कि वो नहीं आ सकती है। कॉल कट करते ही वहाँ पे वूजुन आ जाता है। वूजुन को देख के वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। वूजुन को देख कर वो कन्फ्यूज होती है, तो वूजुन बताता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ अकेली हो, इसलिए मैं आ गया हूँ, और उसके साथ घूमने के लिए कहता है। यहाँ पे शियानहेंग जब लॉ एसोसिएशन पार्टी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो सिंगल्स की पार्टी है जहाँ पर उन्हें कपल गेम्स खेलने हैं, जिससे वो वूजुन को कॉल करता है, लेकिन वूजुन ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे तो आवाज ही नहीं आ रही है और फोन कट कर देता है। उसके बाद पार्टी में सभी को एक दूसरे से मिलने के लिए कहा जाता है। शियानहेंग को देखकर सभी लड़कियां बहुत ही इम्प्रेस होती हैं। जब सब लड़कियां उससे बात करने आती हैं तो वो सभी लड़कियों में कमी निकालता रहता है और उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती है, और ये सारी चीजें शेंग्या भी नोटिस करती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तभी उसे वूजुन का कॉल आता है और वो शियानहेंग को कहता है कि बार बार इस तरह लड़कियों को रिजेक्ट मत करो, वरना तुम्हें कोई भी अच्छा एसोसिएशन काम करने के लिए नहीं बुलाएगा। लेकिन शियानहेंग उसकी बातों को इग्नोर करके फोन कट कर देता है। वहीं पार्टी में सबको एक गेम खेलने के लिए कहा जाता है जहाँ पे उन्हें टीम बनाकर बोट में जाना है। कई सारे लड़के शेंग्या के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियानहेंग शेंग्या को कहता है कि हम दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन शियानहेंग उसे मना कर देता है। जब दोनों बोट में जाते हैं तो शियानहेंग बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है बोट चलाने में, जहाँ पे शेंग्या देखती है कि सभी लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं और उसे सारा काम अकेले करना पड़ता है। तभी शेंग्या देखती है कि उसका पैडल गिर जाता है। शेंग्या पैडल लेने जाती है तो वो फिसलने वाली होती है, तो शियानहेंग उसे बचाने जाता है, लेकिन शियानहेंग ही गिर जाता है, जिससे शेंग्या बहुत ही डर जाती है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, क्योंकि शियानहेंग को तैरना नहीं आता था। लाइफ जैकेट पहनने की वजह से वो डूबता तो नहीं है, लेकिन शेंग्या फिर उसे बाहर ले जाती है। शियानहेंग पूरी तरीके से भीग चुका था, जिससे शेंग्या उसके लिए हॉट टी लेके आती है। शियानहेंग उसे कहता है कि अगर ये इम्प्रेस करने का तुम्हारा कोई तरीका था तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। शेंग्या उससे कहती है कि अब तो ड्रामास में भी कोई इस तरीके से इम्प्रेस नहीं करता है, तो मैं भला क्यों करूंगी। उसके बाद शियानहेंग कहता है कि चलो होटल चलते हैं और कपड़े चेंज करते हैं, तो शेंग्या उसके साथ जाती है। यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क में शेंग्या वूजुन को लेकर हॉन्टेड हाउस में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ही डर लगता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिससे शेंग्या उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन एंड में जाकर शेंग्या उसे डरा देती है, जिससे तो वूजुन बहुत ही डर जाता है। जब शेंग्या उसे बाहर लेके जाती है तो कहती है कि क्या तुमने मेरा हाथ जानबूझ के पकड़ के रखा है, तो उसका हाथ छोड़ देता है। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं, तुम फीमेल एम्प्लॉयज से बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हो और उनके साथ अफेयर करते हो, तो वूजुन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसे समझाने की कोशिश करता है। साथ ही वो कल रात के बारे में उससे बात ही करना चाहता था, लेकिन तभी उससे शियानहेंग का कॉल आता है जो कि उसे कपड़े लाने के लिए कहता है, और वो भी फीमेल कपड़े। ये सब सुन के शेंग्या को लगता है कि कोई लड़की वूजुन से कपड़े लाने के लिए कह रही है, जिससे वो कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वूजुन समझाता है कि शियानहेंग का कॉल था, लेकिन शेंग्या को इसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। वूजुन अपसेट होकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम शियानहेंग को देखते हैं। यहाँ पर शियानहेंग जब बैठा हुआ था तभी शेंग्या उसके
सामने आती है जिसने बाथरोब पहना हुआ था। शियान हैंग उसे इग्नोर करते हुए बाथरूम में चला जाता है। तभी वहाँ पे डोरबेल रिंग होती है जिससे शियान हैंग जल्दी से बाहर आता है, शेंगाओ को अंदर छुपा देता है। फिर जब वूजोन देखता है कि शियान हैंग ने इस तरह के कपड़े पहने हैं तो वो उसके पास आके पूछता है कि शेंगाओ कहाँ है। वो अंदर शेंगाओ को ढूंढता है जहाँ पर वो देखता है कि शेंगाओ ने भी इसी तरह के कपड़े पहने हैं। उसे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन दोनों बता देते हैं कि दरअसल में क्या हुआ था। वूजोन दोनों से अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में बायरू नोटिस करता है कि शियान हैंग को सर्दी हुई है और सभी उसके बाद उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि शेंगाओ को भी सर्दी हुई है जिससे वो उससे भी दूर रहते हैं। रात को शेंगाओ जब घर पे काम कर रही थी तभी शियान हैंग आता है। वो उससे पूछती है कि आपको जिंजर टी पीनी है, तो वो मना कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है कि मुझे भी जिंजर टी पीनी है। तो वो कहती है कि आपने ना बोल दिया था तो मैं सारी ही टी पी चुकी हूँ। दोनों बैठे ही हुए थे तभी डोरबेल रिंग होती है और बाहर से किसी लड़की की आवाज आती है जिसे शियान हैंग शेंगाओ को दरवाजा खोलने से मना कर देता है और अंदर जाके छुप जाता है। लेकिन फिर भी शेंगाओ बाहर जाके दरवाजा खोल देती है जहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी सी लड़की आई हुई थी। तभी नैंगमिंग को शियान हैंग का मैसेज आता है जो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड शेंगाओ से दूर रहो। उसके बाद शेंगाओ उसे अंदर आने को कहती है जहाँ पे नैंगमिंग कहती है कि मैं शियान हैंग से प्यार करती हूँ और वो हमेशा मेरा ही रहेगा, जिसपे शेंगाओ उसे हाँ करती है। फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन शेंगाओ इस बात से मना करती है। तो नैंगमिंग उसे मैसेज दिखाती है और जाते जाते कहती है कि शियान हैंग हमेशा मेरा ही रहेगा, जिसके लिए शेंगाओ भी हाँ करती है। उसके बाद नैंगमिंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेंगाओ शियान हैंग से पूछती है कि आपने उसे झूठ क्यों बोला। तो शियान हैंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम डोर ओपन जरूर करोगी। शेंगाओ पूछती है कि वो कौन थी। तो शियान हैंग बताता है कि वो मेरी क्लाइंट की बेटी थी जो कि मेरा फर्स्ट क्लाइंट था और वो तब से ही मुझे पसंद करती है और उसी की वजह से मैं अपना बड़ा सा विला छोड़ के इस छोटे से घर में रह रहा हूँ। जिसपे शेंगाओ उसे कहती है कि आपको अपने विला में रहने चले जाना चाहिए। अब तो उसे पता चल चुका है कि आप कहाँ रहते हो, तो आपका इतने छोटे घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शियान हैंग ऐसा करने से मना कर देता है। अब नेक्स्ट डे जब शेंगाओ ऑफिस जाती है तो उसे बाय बहुत ही सारे डॉक्यूमेंट्स देता है जिसे देख के वो खुश हो जाती है। घर पे आके वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि तिवान टेक्नोलॉजी में पैसों की कुछ गड़बड़ हुई है। हर जगह 10 मिलियन वॉन थे लेकिन एक जगह सिर्फ 5 मिलियन वॉन थे। इस बारे में बात करने के लिए वो एक लॉयर को कॉल करती है, लेकिन लॉयर जैसे ही सुनता है कि वो शियान हैंग की असिस्टेंट है वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि शियान हैंग बहुत ही बेकार आदमी है और वो उससे कहता है कि वो इंसोमनिया डिजर्व करता है और इसी तरह उसे नींद नहीं आनी चाहिए। जहाँ पर शेंगाओ को समझ आ जाता है कि शियान हैंग को नींद नहीं आती है, इसीलिए वो उसे गाना गाने के लिए कहता है ताकि वो उसका गाना एंड म्यूजिक सुन के सो सके, और इस बात का बदला लेने के लिए वो तैयार हो जाती है। रात को जब शियान हैंग काम कर रहा था तब वो खाना बनाने लगती है और गाना गाती है जिससे शियान हैंग सो जाता है। जब मॉर्निंग में शियान हैंग उठता है तो वो देखता है कि उसका कुछ भी काम नहीं हुआ है, जिससे वो शेंगाओ पे गुस्सा करता है और कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें खाना बनाने से मना किया था ना। तो शेंगाओ कहती है कि मैंने तो सिर्फ अपने लिए खाना बनाया था। शियान हैंग कहता है कि अब से जब मैं मना करूं तो अपने लिए भी खाना मत बनाना। जब वो ऑफिस में जाती है तो बायरू उसे बताता है कि आज तो शियान हैंग ने काम ही नहीं किया, जिसके लिए उसने मुझे सॉरी भी कहा है। तो शेंगाओ कहती है कि मे बी उसने गलती से कह दिया होगा, लेकिन उसे तो पता था कि शियान हैंग ने काम क्यों नहीं किया है। उसके बाद शियान हैंग शेंगाओ को लेकर जून से मिलने जाता है जहाँ पर जून का लॉयर बाइजिंग भी आया हुआ था, जो तो शेंगाओ को देखते ही रह जाता है। उसके बाद वो लोग लीगल डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं जहाँ पर जून कहता है कि मुझे डिवोर्स का सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट ही करना है और उसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए देता है। जब शियान हैंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है तो वो बहुत ही इम्प्रेस होता है, लेकिन वो उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। सभी लोग शियान हैंग की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे बेजिंग उसे फिर से कहता है कि यही ऑफर बेस्ट रहेगा। शियान हैंग कहता है कि मुझे और तुम्हें दोनों को पता है कि ये ऑफर अभी बेस्ट नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो उनकी कंपनी पब्लिक जाने वाली है और अगर लोगों को इनके डिवोर्स के बारे में पता चलेगा तो इसका असर सीधे आईपीओ पे होगा, इसीलिए अभी बाइजिंग के लिए ये ऑफर बेस्ट नहीं है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि एक बार तुम बाइजिंग से बात तो करके देखो, लेकिन वो कहता है कि मैं ऑलरेडी बाइजिंग की परमिशन ले चुका हूँ इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बेजिंग जाते जाते शेंगाओ को कहता है कि हम जल्दी मिलेंगे, जिससे वो भी हाँ करती है। उनके जाने के बाद शेंगाओ शियान हैंग से कहती है कि आपको फिर भी बाइजिंग से एक बार कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेना चाहिए था और सेटलमेंट की भी बात बता देनी चाहिए थी। जिस पर शियान हैंग कहता है कि बाइजिंग ने मुझे कहा है कि जुन कोई भी सेटलमेंट की बात लेकर आए तो उसे एक्सेप्ट ना करो, इसीलिए मैंने उससे पूछे बिना एक्सेप्ट नहीं किया, जिस पर वो हाँ करती है। फिर शियान हैंग कहता है कि तुम्हें भी अपना ध्यान काम पे रखना चाहिए, ना कि दूसरे कंपनी के लॉयर्स पे रखना चाहिए। तो शियान हैंग कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बेजिंग को कॉलेज से जानती हूँ, वो मेरा सीनियर था और कॉलेज के बाद हम आज मिले हैं, इसीलिए वो मुझे देख के खुश हो गया था। जिस पर शियान हैंग कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में जब शेंगाओ घर आती है तो बाहर शेंगी उसका वेट कर रही थी।
शेंगी बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना है और उसके डॉगी का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो शेंग्या को डॉगी देके चली जाती है। शेंग्या डॉगी को लेके अंदर जाती है, जहाँ पे वो डॉगी से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो बिल्कुल भी आवाज मत करना, वरना शियानहैंग तुम्हें और मुझे दोनों को यहाँ से निकाल देगा। तभी शियानहैंग घर आता है तो शेंग्या उसके पास जाती है। शियानहैंग कहता है कि हमारे घर में क्या डॉगी आया है, जिस पर वो मना कर देती है, जिससे शियानहैंग अपने कमरे में चला जाता है। फिर शेंग्या आके डॉगी के साथ खेलने लगती है, लेकिन डॉगी आवाज निकालने लगता है, जिससे शियानहैंग उसे कहता है कि डॉगी की आवाज कहाँ से आ रही है। तो शेंग्या कहती है कि ये आवाजें मैं निकाल रही हूँ, लेकिन शियानहैंग को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता और वो उसके रूम का दरवाजा नॉक करता है। शेंग्या डॉगी को छुपा के दरवाजा ओपन करती है, लेकिन शियानहैंग डॉगी को देख लेता है। वो डॉगी भी शियानहैंग के बहुत पास आता है, जिससे शियानहैंग डरता है और शेंग्या से कहता है कि इसे मुझसे दूर करो। शेंग्या पूछती है कि आपको डॉगी से डर लगता है, जिस पर शियानहैंग कुछ भी नहीं कहता, जिससे शियानहैंग डॉगी को ले लेती है और कहती है कि डॉगी बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और हमें उनकी हमेशा केयर करनी चाहिए। शियानहैंग कहता है कि डॉगी यहाँ नहीं रह सकता है और अगर तुम डॉगी का साथ दोगी तो तुम्हें भी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। शेंग्या कहती है कि मैं आपके लिए सारा काम करती हूँ। शियानहैंग कहता है कि वो तो तुम इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपना कर्जा चुका सको। शियानहैंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तो वो कहती है कि मैंने आपके साइकेट्रिस्ट से बात करी थी और उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया था। मुझे पता चला था कि आप उस साइकेट्रिस्ट से केस की फीस कम लेते हो, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। शियानहैंग कहता है कि तुम्हें मेरी इस तरह जासूसी करने की जरूरत नहीं थी। शेंग्या कहती है कि वो मुझसे गलती से हो गया। शियानहैंग कहता है कि जो भी हो, तुम इस डॉगी को यहाँ नहीं रख सकती हो, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जब शेंग्या रात को खाना बनाती है तो वो गाना नहीं गाती है, जिससे शियानहैंग उसे मैसेज करके कहता है कि अगर डॉगी लिविंग रूम में नहीं आएगा तो वो यहाँ रह सकती, जिससे खुश होकर शेंग्या गाना गाते गाते खाना बनाने लगती है और शियानहैंग भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में शेंग्या लेट पहुंचती है, जहाँ पर वो खुश होती है क्योंकि शियानहैंग अभी वहाँ नहीं था, लेकिन बायरू उसे बताता है कि ऑलरेडी शियानहैंग यहाँ से आके गया और उसे पता है कि तुम लेट हो, और साथ ही में वो तुम्हारे लिए एक नोट भी लेके गया है जिसमें लिखा था कि बायजिंग आ रही है और शेंग्या को उसके पास जाने के लिए कहता है। जब शेंग्या बायजिंग के पास जाती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। शेंग्या पूछती है कि क्या हुआ, तो बायजिंग कहती है कि मेरा एक्स मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो बार बार मेरे घर में सेटलमेंट के लिए आता रहता है और दूसरे लोगों को भी भेज रहा है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो क्यों ना तुम उसके साथ एक बार बात कर लो। जिस पर शेंग्या कहती है कि मैं अभी इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपके हस्बैंड से डायरेक्ट बात कर सकूँ, उसके लिए आप शियानहैंग से कहिए। लेकिन बायजिंग कहती है कि शियानहैंग से मुझे थोड़ा डर लगता है और मैटर इतनी बड़ी भी नहीं है कि हमें शियानहैंग को इन्वॉल्व करना पड़े, तुम मेरी फ्रेंड जैसी हो और मुझे समझती हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। शेंग्या इस चीज के लिए कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी वो बायजिंग की बात मान लेती है, जिससे बायजिंग जून को शेंग्या का नंबर देती है। जब जून शेंग्या को कॉल करता है तो शेंग्या जून को कह देती है कि बायजिंग को आपसे नहीं मिलना है, इसीलिए आप उसे परेशान मत करिए। लेकिन जून कहता है कि मैंने तो बायजिंग को कभी भी परेशान करा ही नहीं है। शेंग्या कहती है कि आपको जो भी बात करनी है आप हमारे ऑफिस में आइए और उसके बाद ही बात करिए, और ऐसा कह के फोन रख देती है। बायजिंग फिर शेंग्या को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसे जून से बहुत ही डर लगता है। अब ऑफिस के बाद जब शेंग्या जा रही होती है तभी वहाँ पे जून आ जाता है, जो शेंग्या उसे बात करने की कोशिश करता है। शेंग्या उसे कहती है कि आपको जो भी बात करनी है वो आप मेरी ऑफिस में आके करिए, यहाँ बात करना सही नहीं रहेगा। लेकिन जून उसे जाने नहीं देता, जिससे शेंग्या बहुत ही ज्यादा डरती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। तो जून कहता है कि बायजिंग तुमसे झूठ कह रही है, मैंने कभी भी उसे थ्रेटन नहीं किया है, और तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर मेरी कंपनी पब्लिक नहीं हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन शेंग्या कहती है कि मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है, हम कल इस टॉपिक पे बात करेंगे, और ऐसा कह के वहां से चली जाती है। लेकिन रात को हमें पता चलता है कि जून ने सुसाइड कर ली है। जब नेक्स्ट डे इस बारे में शेंग्या को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे ये भी पता चलता है कि बायजिंग ने झूठ कहा था, उसे कंपनी के बारे में पहले से पता था और वही थी जो दरअसल में जून को परेशान करती थी। इन सब चीजों से शेंग्या बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जब वो ऑफिस आती है तभी भी सब शेंग्या को ही देख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरती है, क्योंकि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई होती है। तभी तिंग उसे बताती है कि बायजिंग डेंगमिन से मिलने के लिए गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे डेंगमिन कहता है कि बायजिंग को नहीं पता था कि जून उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल में ये सब कुछ जून फर्म के लोगों को ही पता था और उन लोगों ने बायजिंग को बताया ही नहीं था कि जून बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मेरी क्लाइंट को परेशान करना बंद करिए, क्योंकि अब से वो जून फर्म के साथ भी एसोसिएट नहीं है। चाहती जून की डेथ से बायजिंग को बहुत ही बुरा लग रहा है, इसीलिए वो अपने केस भी वापस लेने के लिए तैयार है। ये सब कुछ सुनकर शेंग्या को बहुत
बुरा लगता है क्योंकि शेंग्याओ को पता था कि बाइजिंग झूठ कह रही है, क्योंकि बाइजिंग ने ही क्लियरली कहा था कि उसे जुन से कोई भी बात नहीं करनी है। इन सब चीजों से शेंग्याओ बहुत ही अपसेट होती है। तभी वो जुन वहाँ आता है और कहता है कि मुझे पता था कि बाइजिंग जरूर बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है, इसीलिए वो डेंगविंग के साथ जाके मिल गई है। लेकिन तुम परेशान मत हो, शियानेंग सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो तुम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। जिसके बाद शेंग्याओ बाइजिंग के पास जाने का डिसाइड करती है। जब वो बाइजिंग के पास जाती है तो वो बाइजिंग से कहती है कि आपने सबसे झूठ क्यों कहा कि आपको नहीं पता था कि जुन आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे डेंगविंग आता है और वो शेंग्याओ को बाइजिंग से दूर करता है। शेंग्याओ कहती है कि बाइजिंग को सब कुछ पहले से पता था, वो अब विक्टिम होने का नाटक कर रही है। लेकिन डेंगविंग कहता है कि तुम ही वो पर्सन थी जिसने लास्ट में जुन से बात करी थी, तुमने जरूर उसे परेशान किया होगा। तभी जुन ने सुसाइड कर ली, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वहां से बाइजिंग चली जाती है। फिर डेंगविंग कहता है कि मैं तुम्हारा एक्स ब्रदर इन लॉ हूं, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें बाइजिंग से पंगा नहीं लेना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। लेकिन तभी वहां पे शियानेंग आता है और वो डेंगविंग से कहता है कि तुम मेरे एम्प्लॉई से इस तरह बात नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो तुम डायरेक्ट मुझसे बात करो। तो डेंगविंग कहता है कि अच्छा तुम शियानेंग हो, जिसे बार बार अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन तुम्हारा अवार्ड हर बार मैं ले जाता हूँ। शियानेंग कहता है कि भले अवार्ड तुम ले जाते हो, लेकिन आज तक तुम मुझसे केस नहीं जीत पाए हो। जिस दिन तुम मुझसे केस जीतो मैं उस दिन तुम्हें बड़ा मानूंगा। और ऐसा कहकर वो शेंग्याओ को लेके वहां से चला जाता है। शेंग्याओ बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तो शियानेंग उसे कहता है कि अपसेट होने से कुछ नहीं होगा। फिर शियानेंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि बाइजिंग के ज्यादा क्लोज मत जाओ, हमें अपने क्लाइंट से दूरी बना के रखनी चाहिए, तभी हमारा प्रोफेशनल काम हो सकेगा। जिससे शेंग्याओ बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और उसे सॉरी कहती है। और वो शियानेंग से कहती है कि मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, पता नहीं ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो गया। शियानेंग उसे कहता है कि सच कह रही हो ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पार्टीज के साथ खेल रही थी और दोनों जगह से पैसे लेना चाहती थी। तो शेंग्याओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस अच्छे से काम करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे बात करी थी और मेरा और कोई भी खराब इंटेंशन नहीं था। शियानेंग कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव है और मैं तुम्हारा नाम क्लियर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिससे शेंग्याओ उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। रात को शेंग्याओ ने शियानेंग के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। तो शियानेंग कहता है कि तुम अपना डेट चुकाने के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। लेकिन शेंग्याओ कहती है कि आज ये डेट चुकाने के लिए मैंने खाना नहीं बनाया है, बल्कि आपको थैंक यू कहने के लिए बनाया है, क्योंकि आपने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है। जैसे शियानेंग कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे ऊपर अभी क्या बीत रही है, लेकिन अब से कोई भी क्लाइंट के ज्यादा क्लोज मत जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जिस पर शेंग्याओ भी अग्री करती है। अब रात को जब शेंग्याओ काम कर रही थी, तभी उसे जुन की याद आती है कि किस तरह जुन ने कहा था कि मुझे इस तरह परेशान मत करो वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साथ ही डेंगविंग ने उसे कहा था कि जुन की डेथ उसकी वजह से हुई है, और ये सब कुछ सोचकर वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे शियानेंग जब ऑफिस जाता है तो वहां पे उसे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिलती है। वही न्यूज शेंग्याओ के फोन में भी आती है, जहां पर जुन की फैमिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाइजिंग तो जुन के साथ बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन शेंग्याओ ने उन्हें बात नहीं करने दी। और फिर वो शेंग्याओ से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। साथ ही में सभी लोग उसे ऑनलाइन हेट भी दे रहे थे और उसे मर्डरर कह रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तभी उसे जुन के भाई का कॉल भी आ जाता है और वो उसे मर्डरर कहने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे शियानेंग वहां आ जाता है और शेंग्याओ के हाथ से फोन ले लेता है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलूं। फिर वो उसे एक बार में लेके आता है। शेंग्याओ ड्रिंक करना चाहती थी, लेकिन शियानेंग उसे ड्रिंक करने से मना कर देता है। फिर शेंग्याओ कहता है कि तुम भला मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए हो। तो वो कहता है कि यहाँ मैं किसी काम से तुम्हें लाया हूँ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि बेजिंग आता है, जिसे देख के शेंग्याओ थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। बेजिंग कहता है कि मुझे यहाँ पे शियानेंग ने ही बुलाया है। शियानेंग उसे कहता है कि जो भी तुम्हें जुन के बारे में पता है वो शेंग्याओ को भी बताओ। जहाँ पर बेजिंग बताता है कि जुन ने बहुत ही मेहनत से अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी और बेजिंग उसका फायदा उठाना चाहती थी। वो कभी भी जुन से प्यार ही नहीं करती थी, उसे पता था कि जुन बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसके आइडियाज चुराने की वो हमेशा कोशिश किया करती थी। शेंग्याओ कहती है लेकिन जुन तो मुझे ऐसा बताती थी कि वही उनके रिलेशनशिप में विक्टिम है। तो बेजिंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल में वही अब्यूसिव थी। शियानेंग शेंग्याओ से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि बाइजिंग विक्टिम थी। तो शेंग्याओ कहती है कि उसने मुझे अकेले में ये सारी बातें बताई थी, जिस पे वो उससे गुस्सा करता है। जहाँ पे बेजिंग कहता है कि अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिससे हम साबित कर सकते हैं कि बेजिंग अब्यूसिव थी और जुन रियल में विक्टिम था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।